जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासंध ने द्वैरथ युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर खड़े होकर भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बाहुकंटक दांव के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्धपरायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर अपने बैर भाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अंगदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अंगदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। यह सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है।